आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करें सलमान खान के बारे में। बता दें कि वैसे तो सलमान खान शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके मन में ये सवाल आता है कि क्यों मैंने शादी नहीं की, जिसके लिए उनकी अभी एक लेटेस्ट स्टेटमेंट लगातार वायरल हो रही है। उनका कहना है कि अगर वो मेरे को मना नहीं करती तो आज मैं किसी का दादा होता। जी हाँ, क्योंकि 57 साल उम्र हो चुकी है, तो इस उम्र में उनको किसी न किसी का दादा जरूर होना चाहिए था। तो अब सलमान खान भाईजान नहीं कहलाते, सलमान खान दादा कहलाते, तो इसी बात का दुख जताया है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में। बता दें कि सलमान खान ने अपने करियर का डेब्यू स्टार्ट किया था मैंने प्यार किया से, उसके बाद धीरे धीरे करके वो आगे फिल्मों में काम करने लगे। वो भले ही सलीम खान के बेटे होने के बावजूद भी उन्होंने खुद ही स्ट्रगल किया, खुद ही मेहनत किया, उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम कमाया था। उनकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई, जब भाजपा संगीता बिजलानी आई, कैटरीना कैफ आई, जरीन आई, और ना जाने कितनी ऐसी एक्ट्रेसेस, कितनी ऐसी नॉर्मल लड़कियां उनकी जिंदगी में आई थी। और हर बार उन्होंने सोचा कि घर पर बात करके इसके साथ शादी जरूर रचाऊंगा, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाए, वो शादी नहीं कर पाए। कोई ना कोई कारण, कभी किसी और का बॉयफ्रेंड हो जाना या फिर उनका किसी से दूर चले जाना, ये रीजंस बीच में आते रहे और वो शादी नहीं कर पाए। और आज उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, जिस चीज को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार उन्होंने ये स्टेटमेंट क्या सोच के और किसका नाम लेकर कही कि आज मैं दादू होता। बता दें कि सलमान खान को बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में भाईजान के नाम से बुलाया जाता है और हर कोई इनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता है। बता दें कि सलमान खान ने बॉलीवुड में पैसा ही नहीं बल्कि नाम से भी बहुत कमाया है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि सलमान खान को सभी लोग इतना ज़्यादा इज्जत और सम्मान देते हैं। सलमान खान आज के समय में 56 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी वह कुंवारे ही है। बता दें कि सलमान खान ने अभी तक शादी नहीं की, इसका मतलब यह नहीं कि उनका किसी लड़की के साथ रिश्ता ना रहा हो। बता दें कि सलमान खान का बॉलीवुड की बहुत सारे अभिनेत्रियों के साथ रिश्ता रहा है। इस सूची में ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, संगीता बिजलानी और भी बहुत सारी अभिनेत्रियां शामिल है, लेकिन फिर भी सलमान खान ने अभी तक शादी नहीं की। हाल ही में सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपनी शादी के बारे में बता रहे हैं। सलमान खान अपने इस वायरल वीडियो में बता रहे हैं कि अगर उस लड़की से शादी कर लेता तो आज दादा बन जाता। आगे भी आपको बताते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। सलमान खान के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो बॉलीवुड के कितने बड़े और नामी अभिनेता हैं। बता दें कि सलमान खान एक रियलिटी शो होस्ट करते हैं जिसका नाम बिग बॉस है, और हाल ही में सलमान खान के इस शो में दिया हुआ एक बयान सामने आया जिसमें सलमान खान बता रहे हैं कि उस लड़की से शादी कर लेता तो अभी तक दादा बन जाता। सलमान खान ने यह बात बोली तो उनके शो बिग बॉस पर अजय देवगन और काजोल आए हुए थे। सलमान खान ने बताया कि वे अपने पहले प्यार के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, जिसके चलते वे कुंवारे ही रह गए और अभी तक दादा बन जाते। सलमान खान को आज भी इसके बारे में सोचते हैं तो बता दें कि सलमान खान के इस पहले प्यार ने भी किसी और से शादी कर ली। साथ ही साथ सलमान खान का हाल ही में एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि अगर वह पहले ही प्यार से शादी कर लेते तो प्यार का इजहार कर देते तो आज वो दादा बन जाते। सलमान खान के ऐसे इसलिए कहा क्योंकि वह कुछ दिनों पहले ही अपने पहले प्यार से मिले थे, जो किसी और से शादी करने के बाद अब तो दादी भी बन चुकी है। यही कारण है कि सलमान खान ने कहा कि उसे शादी कर लेता तो आज दादा बन जाता। और वही आपने सुना है इस रिपोर्ट में कि उन्होंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस का नाम लिया है जो उनको धोखा देके चली गई, इसलिए वो विश्वास नहीं करते कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसलिए उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि टेम्पररी शादी इज द बेस्ट। अब आपके क्या व्यूज है इस चीज को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।